हेलो दोस्तों, आज मैं सिर्फ दो चीज़ों से बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस रेसिपी, जो कि झटपट बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची है। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं 15 से 20 दिनों के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही क्रंची रेसिपी है। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए फूड लवर को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 आलू, इसको मैंने धो लिया था। इसको छीलेंगे, तो इसको फटाफट छील लेते हैं। तो आलू को मैंने यहाँ छील लिया है, इसको धो लेंगे फिर से एक बार। और इसे यहाँ पे लिया है मैंने बारीक वाला ग्रेटर, यहाँ पे हम करेंगे फटाफट इसको ग्रेट। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, बारीक वाले ग्रेटर से ही इसको ग्रेट करें। तो फटाफट आलू को ग्रेट कर लेते हैं। ये लीजिए, आलू ग्रेट हो गया हमारा। इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। और इसको पानी डाल के धोएंगे। तो 2-3 बार इसे पानी डाल के धो लें आप। चलिए फटाफट तड़के की भी तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच राई डालेंगे और यहाँ डालेंगे 1 चम्मच जीरा। इसे थोड़ी देर चटकने देंगे। तो यहीं पे डालेंगे हम आलू ग्रेट किया हुआ, सारे आलू डाल लें यहाँ पे और फटाफट इसको मिक्स करते हैं। और ये तब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चा फ्लेवर ना निकल जाए। तो फटाफट आलू को भून लेंगे हम। आलू यहाँ सॉफ्ट हो चुकी है हमारी, तो यहाँ कुछ मसाले मिला लेंगे। यहाँ मैंने डाला 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे। इन सारी चीज़ों को आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसको पका लेंगे आलू के साथ, ताकि इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए मसालों का। तो यहाँ हम डालेंगे पानी, पानी डाल के इसको चला लेंगे। यहाँ मैंने 2 कप पानी डाला है इसमें, ये 2रा कप, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें उबाल आने देंगे और फिर इसमें डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सूजी डाला और इसे चलाते जाएं, ताकि इसमें लम्स ना बने। थोड़ा थोड़ा सूजी डालें और इसको चलाते रहें। तो फटाफट इसको चलाएं जब तक ये सोख ना जाए थोड़ा पानी। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है ये और काफ़ी पानी सोख चुका है। इसको तब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे। तो इधर एक थाली लेंगे और थाली में थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं थाली में बराबर ऑयल लगा रही हूँ, फैला रही हूँ। और थोड़ा सा ऑयल लगा लें इसमें, ताकि बिल्कुल सॉफ्ट दिखे। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, इसको गर्म गर्म ही डालें थाली में, नहीं तो ये सूख जाएगा। सूखने के बाद ये लम्स रह जाएंगे इसमें और फिर ये सही बनेगा नहीं। फटाफट इसको थाली में डालते हैं और इसे अच्छे से फैलाएंगे। तो ये गर्म है इसलिए मैंने इसे गिलास से फैलाया, तो गिलास में थोड़ा तेल लगा लें और फिर गिलास की सहायता से इसे फैला लें अच्छे से। फिर इसको रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पे। 5 से 6 मिनट बाद ये बिल्कुल सूख चुका है, फिर इसे कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ बड़े बड़े शेप में काटा है, पहले इसे काट लें, फिर उसके बाद कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ ट्रायंगल शेप में बनाऊंगी इसको, क्योंकि देखने में बहुत अच्छा लगता है ट्रायंगल शेप में। तो ये देखिए, रेसिपी को स्टोर भी कर सकते हैं, इसको काट के या फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपका मन करे तब आप निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, तो फटाफट मैं इसमें फ्राई करूँगी गरम गरम तेल में। और आज बिल्कुल मीडियम ही रखें आप।
तो इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसे पलट देते हैं एक बार ताकि चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो सके। आप जितना धीमी आंच पे इसको फ्राई करेंगे उतना ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। तो फटाफट इसको फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बराबर कलर आ चुका है। फटाफट इसको निकाल लेते हैं। तो ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए फूड लवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी रेसिपी मैं हमेशा आपके लिए लेके आती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।